हाई एवरी वन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई वीडियो सीरीज़, और सीरीज़ है मास्टर कैडेट साइंस के लिए। आप इसे मास्टर कैडेट साइंस कह लीजिए या आप इसे मास्टर कैडेट टीजीटी कह लीजिए। तो ये नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फर्स्ट सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं जूलॉजी, उसके बाद हम बॉटनी एंड अदर सब्जेक्ट्स को पिक करेंगे। और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। एंड ऑल्सो ये जूलॉजी का स्क्रीनशॉट है सिलेबस का, तो हमारा पहला यूनिट है इसमें डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम हमारे चैनल पे आपको अलग अलग वीडियोस जो हैं वो इसकी मिलती रहेंगी। सो वी विल पुट ऑल द वीडियोस ताकि सारा सिलेबस आपका कवर हो। सो स्टे ट्यून विद अस। तो चलिए आज के इस टॉपिक से शुरू करते हैं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। और ये जो सिलेबस है ये मैंने पिक किया है 11th क्लास की एनसीईआरटी से, एंड वी विल ट्राई कि ज़्यादातर एनसीईआरटी में जितना कुछ दिया है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए विद क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? देखिए, बायो का मतलब होता है लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी बात हो रही है। सो बायोडाइवर्सिटी जो है वो अर्थ के ऊपर जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो हमारे आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमें पता होता है, जानकारी होती है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, और ऐसे कई हैं जिनके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं भी है, राइट? सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर हैं उन सभी को हम बायोडाइवर्सिटी में कंसिडर करते हैं। एंड ऑल्सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे जितने हम जानते हैं उनसे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो जानते हैं या जिनको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वो है अराउंड 1.7 to 1.8 million, राइट? ऐसे बहुत सारे नए ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट टाइम टू टाइम जो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक नया ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में हम पहले से नहीं जानते थे। और हाँ, ऐसे पुराने भी कई हैं जिनके बारे में हम कई चीज़ें नहीं जानते, तो हमें पुराने ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बहुत सारी नई चीज़ें पता चलती हैं। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर। नाउ व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? सिंपली किसी भी ऑर्गेनिज्म को कोई नाम देना है, और ऐसा नाम हो जो पूरे दुनिया में एक ही जैसा हो। यानी हो सकता है हमारे रीजन में या से भारत में कोई ऐसा प्लांट मिलता है जिसे हम किसी एक नाम से जानते हैं। ज़रूरी नहीं है सेम नाम उसका यूएसए में भी हो, या जापान में भी हो, या ऑस्ट्रेलिया में भी हो, या इज़राइल में भी हो, लेकिन वी वॉन्ट कि हमें एटलीस्ट जब भी हम बात करें किसी एनिमल या प्लांट की तो हमें पता हो कि हम किस एनिमल या प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? इसीलिए एक स्टैंडर्ड नाम देना किसी भी ऑर्गेनिज्म को जो पूरी दुनिया में एक ही हो, एक ही नाम, वही नाम हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसी के लिए एक ब्रांच आती है अलग से, दैट इज़ कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में नेमिंग होती है ऑर्गेनिजम्स की साइंटिफिक तरीके से, ऑलराइट, स्टैंडर्डाइज करने के लिए। सो इट इज़ द स्टैंडर्डाइजिंग द नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सो दैट इट इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसी को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं, राइट? एंड या अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्लांट्स के नाम और कैसे नाम रखना है, क्या रूल्स हैं नाम रखने के, या एनिमल्स का नाम, उनके नाम रखने के क्या रूल्स हैं, उसे कौन बताता है? तो देखिए, प्लांट्स के नाम रखने के प्रिंसिपल और क्राइटेरिया जो है वो बताता है ICBN, और एनिमल्स के नाम के जो प्रिंसिपल्स, नाम रखने के प्रिंसिपल, क्राइटेरिया और आइडियाज हैं, वो देता है ICZN। नाउ ICBN इज कॉल्ड इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। हो सकता है ICBN की फुल फॉर्म ही एग्जाम में पूछी जाए। ICBN इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसमें प्लांट्स के नेम जो है, साइंटिफिक नेम किस तरह से रखने हैं, ये सभी प्रिंसिपल जो है वो ICBN गाइड करता है, और एनिमल्स के नाम के नाम, साइंटिफिक नेम किस तरह से रखे जाएंगे, ये गाइड करता है ICZN, विच स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ऑलराइट, तो देखिए, साइंटिफिक नेम जो है ये इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो। ऐसा नहीं है कि हम भारत में कुछ और साइंटिफिक नाम रख देंगे और यूएसए में कुछ और रख देंगे, ऐसा नहीं होता,
ठीक है, इन ICBN इंटरनेशनल कोड है फॉर बोटेनिकल नेम एंड नोमेनक्लेचर, एंड ICZN जो है वो इंटरनेशनल कोड है फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. सो ये पूरे वर्ल्ड में एक ही जैसा नाम होता है साइंटिफिक. ओके, अब बात आती है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की. देखिए, साइंटिफिक नाम रखने के लिए ना बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं. अगर हम सभी क्राइटेरियाज को लगा देंगे तो नाम बहुत लंबा बन जाएगा और कन्वीनियंट नहीं होगा. इतना बड़ा नाम याद रखना, उसके बारे में बार बार जब बात करेंगे तो इतना बड़ा नाम रखना, ये कन्वीनियंट नहीं है. तो इसीलिए हमारे सामने आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर. नाम से पता चल रहा है, नोमेनक्लेचर मीन्स नेम एंड बायनोमियल मतलब टू. तो ऐसा नाम जिसके दो कॉम्पोनेंट हो, यानी दो अक्षर होंगे उसमें, और पहला अक्षर जो है वो जेनरिक नेम होता है, उसे हम जीनस कहते हैं, वो जीनस होता है, और दूसरा जो कंपोनेंट होता है उसे हम स्पेसिफिक एपिथेट या फिर आप उसे स्पीशीज कह सकते हो. ठीक है, तो जीनस और स्पीशीज मिलाकर बायनोमियल नोमेनक्लेचर बनाते हैं ऐसा नाम जिसमें दो अक्षर होंगे, एक जीनस और दूसरी उसकी स्पीशीज. जीनस जिसको हम जेनरिक नेम कह देते हैं और स्पीशीज जिसको हम स्पेसिफिक एपिथेट कह देते हैं. ऑलराइट, सो बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज द नोमेनक्लेचर व्हिच हैज टू कॉम्पोनेंट इन ईच नेम. फाइन, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं हम. आम का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा या मैंगीफेरा इंडिका. हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंगीफेरा ही कहेंगे. सो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका में जो मैंगीफेरा है दिस इज जीनस, ठीक है, और जो इंडिका है दिस इज स्पीशीज. तो बस जीनस और स्पीशीज ये दो अक्षर हमने यहाँ पे चूज किए, मैंगीफेरा इंडिका. क्लियर? और हाँ, नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन से साइंटिस्ट ने दिया है. तो दिस वाज द आइडिया ऑफ कैरोलस लीनियस. लीनियस एक बहुत बहुत फेमस साइंटिस्ट थे. तो देखिए, कैरोलस लीनियस जो हैं, इन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है. ये आइडिया जो है वो इनका था. क्लियर? ओके, आगे चलते हैं. अब देखिए, यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर के कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं लिखने के, किस तरह से उस नाम को लिखा जाएगा. बोलने में तो मैं कह दूंगी मैंगीफेरा इंडिका, बोलने में तो कोई फर्क नहीं हो रहा, लेकिन जब उसको लिखना है तो उस कुछ लिखने के भी रूल्स हैं और वो बहुत बेसिक हैं और बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं. तो देखिए, जब भी कोई नाम लिया जाता है ना, हमेशा नाम जो है नोमेनक्लेचर में लैटिन भाषा का ही होता है, लैटिन भाषा से लिया होता है, और इसे इटैलिक लिखा जाता है. फॉन्ट जो है उसका इटैलिक होना चाहिए. ठीक है, जब प्रिंट कर रहे हैं तब तो इटैलिक बड़े अच्छे से दिख जाता है, लेकिन जब हम हैंड रिटन, जब हम अपने हाथों से लिख रहे हैं तो क्या करें, हो सकता है मेरी राइटिंग ही इटैलिक हो, मैं थोड़ा टेढ़ा लिखती हूँ, तो फिर जब मैं उसका नाम लिखूंगी तो वो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा. तो देखिए, जब भी हैंड रिटन कोई भी चीज़ अपने हाथ से लिख रहे हो, वहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम लिखना है तो उसे हमेशा अंडरलाइन करना होता है. सो व्हेन हैंड रिटन द नेम्स आर स्पेशली सेपरेटली अंडरलाइन, और जब प्रिंट करना है तो वो इटैलिक होने चाहिए. ऑलराइट, और लास्ट जो दो अक्षर होते हैं जिसको हम जीनस और स्पीशीज कहते हैं, तो देखिए जो जीनस होता है उसका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होगा, जैसे मैंगीफेरा का यहाँ पे M कैपिटल है, और इंडिका जो स्पीशीज होगी उसका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है. तो इसी तरह से इटैलिक में इसका पहला लेटर कैपिटल और इसका पहला लेटर स्पीशीज का स्मॉल, इसी तरह से इसे लिखा जाता है. ऑलराइट, सो क्या है यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेनक्लेचर? पहला, लैटिन भाषा से लिया होगा, इटैलिक में लिखा जाएगा, हैंड रिटन में अंडरलाइन होगा, और जीनस का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और जो स्पीशीज होती है उसका जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल होता है, और ये दोनों ही इटैलिक में लिखे जाते हैं. आई होप यू गेट इट राइट. अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने देखा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, हमने देखा नोमेनक्लेचर क्या था, ठीक है, हमने ICBN की बात की, राइट, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर ICBN, एंड देन हमने बात की ICZN, ठीक है, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और फिर उसके बाद जो है हमने ये नोमेनक्लेचर के रूल्स देखे. अब हम बात करेंगे कि किस तरह से क्लासिफाई होते हैं ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन क्या होती है. अब देखिए, कोई दो ऑर्गेनिज्म है, उनमें अगर कुछ सिमिलैरिटी है, ऐसे बहुत सारे, दो क्या, ऐसे मिलियन बिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे आसपास, तो देखिए उन इतने सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना कोई आसान टास्क तो नहीं होगा. अब उनको क्लासिफाई करना है तो कैसे करेंगे, जो सिमिलर दिखते हैं, और वो भी अंदर से उनकी बॉडी नहीं, बाहर से उनकी जो संरचना है, जो उनकी मोर्फोलॉजी है, बाहर से वो, बाहर से देखने में जो सिमिलर लगेंगे, पहले उनको एक तरफ रखेंगे,
ठीक है, तो पहले बड़ी कैटेगरी आती है, फिर जो हम और एक जैसे दिखते हैं उनको थोड़ा और बारीकी से देखकर फिर हम उनकी फिर ग्रुप बनाएंगे, फिर और बारीकी से देखेंगे, फिर हम उनको ग्रुप बनाएंगे, फिर और बारीकी से देखेंगे, इस तरह से कैटेगरीज बनती जाती हैं। और इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जब हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, इसी को हम क्लासिफिकेशन कह देते हैं। कोई बड़ी कैटेगरी होती है जिसमें हमने पहले सीधे सीधे मोटा मोटा छांट दिया, फिर उसके बाद हमने फिर और बारीकी से देखा, फिर और बारीकी से देखा, तो हमने कुछ कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया। और इन्हीं कैटेगरीज में रखने के लिए, ऑर्गेनिज्म को इन्हीं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में कैटेगराइज करने के को ही हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग, आई मीन एनीथिंग मीन्स ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड, ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आपके सामने एक तरफ एनिमल है, एक तरफ प्लांट है, तो ये तो मोटा मोटा पता चल रहा है ना कैटेगरी, ये प्लांट है, ये एनिमल है। फिर एनिमल में कौन सी कैटेगरी में डालना है, फिर प्लांट्स में कौन सी कैटेगरी में डालना है, फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट है, एनिमल्स में भी मैमल है, रेप्टाइल है, क्या है, तो ऐसे इस तरह से कैटेगरीज डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टैक्सा। इन्हीं कैटेगरीज को हम साइंटिफिकली क्या कहते हैं, हम इन्हें टैक्सा कहते हैं, सॉरी क्या कहते हैं हम इन्हें, इन्हें हम टैक्सा कहते हैं। ऑलराइट, सो प्लांट्स जो हैं वो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो है एक तरह का टैक्सा है, एनिमल एक तरह का टैक्सा है, मैमल्स एक तरह का टैक्सा है, एक कैटेगरी हो गई ना, मैमल एक पहले तो प्लांट और एनिमल में डाल दिया वो एक कैटेगरी होगी, एनिमल के अंदर फ्लावरिंग प्लांट एक कैटेगरी हो गई, मैमल्स एक कैटेगरी हो गई, रेप्टाइल्स एक कैटेगरी हो गई, इस तरह से इन सभी कैटेगरीज को टैक्सास बोलते हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, अलग अलग टैक्सा में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को हम डाल सकते हैं, और इसी को कहते हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन की इसी प्रोसेस को कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन हो गया छांटना, उनको अलग अलग कैटेगरी में डालना, ठीक है, और इसी प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस होती है कि कौन सी कैटेगरी में डालना है, कैसे डालना है, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। फाइन, ओके, आई होप बड़ा सिंपल सा है और आपको समझ भी आ रहा होगा। आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई डेफिनेटली रिवर्ट। ओके, चलिए टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की बात करते हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज है, मेजॉरिटी कौन कौन सी कैटेगरीज है टैक्सोनॉमी की। तो देखिए, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो टैक्सोनॉमी की जो कैटेगरीज आती है ना, ईच कैटेगरी रेफर टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक कैटेगरी एक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, एंड इट रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कॉमनली टैक्सन और टैक्सा। टैक्सन होता है सिंगुलर और टैक्सा हो जाता है प्लूरल, बहुत सारी कैटेगरीज टैक्सा, एक कैटेगरी टैक्सन। ओके, सो ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। तो कॉमन कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, कॉमन कैटेगरीज हैं जैसे कि किंगडम, कौन से किंगडम में आएगा, प्लांट किंगडम में, एनिमल किंगडम में, ठीक है, फिर फाइलम या डिविजन आता है, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आती है, फिर जीनस आता है और फिर स्पीशीज आती है। ठीक है, क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, और ये सात मेन कैटेगरीज हो गई। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, किंग फिलिप कॉल्स आउट फॉर गुड सूप। किंग फिलिप कॉल्स आउट फॉर गुड सूप। किंग के फॉर किंगडम, फीस फिलिप से फाइलम, कॉल से क्लास, आउट से ऑर्डर, फॉर से फैमिली, गुड से जीनस और सूप से स्पीशीज। ठीक है, मतलब याद रखना है आपने सिर्फ किंग फिलिप कॉल्स आउट फॉर गुड सूप, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सात कैटेगरीज हैं। ऑलराइट, ये सात कैटेगरीज हैं कॉमन कैटेगरीज जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की। तो एक एक करके इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की कैटेगरीज हैं ये, किस बेसिस पे हम इनको अलग
अलग करते हैं, यानी किंगडम क्या होता है, फाइलम क्या होता है, जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होती है, ये हम बात करते हैं। तो ये कॉमन कैटेगरीज में सबसे पहले हम बात करते हैं, उल्टा चलते हैं, स्पीशीज से बात करते हैं। स्पीशीज क्या होती है? ऑर्गेनिज्म जो बहुत 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 ज़्यादा सिमिलर होते हैं, एक ही जैसे होते हैं, वो आपस में एक जैसे रहते हैं, उनका हैबिटेट सेम होता है और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी दे कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, इंटरब्रीड करते हैं। बहुत ही क्लोजली रिलेटेड जो होते हैं उन्हें हम स्पीशीज कहते हैं, जैसे कि पेंथेरा लियो। लियो में जो लायन है, लियो ये स्पीशीज है। लायन लायन आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। होमोसेपियंस सेपियन स्पीशीज है, ठीक है। सेपियन यानी ह्यूमंस, ह्यूमंस एक, ये सेपियंस एक स्पीशीज है जिसमें ह्यूमंस आते हैं और ह्यूमंस ह्यूमंस आपस में इंटरप्रेट कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड। लाइन लाइन इज क्लोजली रिलेटेड, ह्यूमन ह्यूमंस आर क्लोजली रिलेटेड। ऑलराइट, सो स्पीशीज में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। यस, देन कम्स जीनस। जीनस एक थोड़ी बड़ी कैटेगरी हो गई, ओके। जैसे कि मैं बात करती हूँ, ये ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का जिनके काफ़ी कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, काफ़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, स्पीशीज जितने नहीं लेकिन काफ़ी। जैसे कि लायन, लायन लेपर्ड और टाइगर। लायन लेपर्ड और टाइगर एक जैसे होते हैं ना, स्पीड होती है, कार्निवोरस होते हैं, किस तरह से एक दूसरे को वो किस तरह से वो क्या करते हैं, प्रे करते हैं, मतलब डियर खाएंगे या फिर किसी का किसी के भी शिकार कैसे करते हैं, एक जैसा तरीका होता है ऑलमोस्ट शिकार करने का, रहने का, है ना। एक थोड़ा दिखने में भी ऑलमोस्ट बाहर से थोड़ा थोड़ा सिमिलर होते हैं, मैं नहीं कह रही बिल्कुल ही सिमिलर होते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक कैट से, एक डॉग से, एक रैबिट से तो बहुत डिफरेंट है ना। ऐसा तो नहीं कहेंगे कि लायन और रैबिट एक जैसी ताकत नहीं है दोनों में, लेकिन लायन और लेपर्ड और टाइगर ताकत भी एक जैसी, बहुत ताकतवर है ना, तो काफी सिमिलैरिटीज इनमें होती हैं। तो देखिए ये सभी पेंथेरा जीनस में आते हैं, इनकी स्पीशीज अलग अलग है। एक की लियो है क्योंकि वो लायन है, एक की पार्डस है क्योंकि वो लैपर्ड है, एक की टाइग्रिस है क्योंकि वो टाइगर है। इनकी स्पीशीज अलग होंगी क्योंकि लायन लायन के साथ इंटरब्रीड करेगा, लेपर्ड लेपर्ड के साथ इंटरब्रीड करेगा, टाइगर टाइगर के साथ, लेकिन जीनस सबका सेम है और जीनस है पेंथेरा, ठीक है। तो हमने इनको जीनस में सेम रखा है क्योंकि उनकी में काफी सिमिलैरिटीज है। फाइन, सो जीनस पेंथेरा जो है वो उसमें लायन आएगा, लेपर्ड आएगा, टाइगर आएगा, लेकिन कैट्स नहीं आएंगी। कैट बहुत छोटी होती है, जो डिफरेंट जैसे घरेलू कैट होती है वो डिफरेंट होती हैं, है ना, वो थोड़ी और बड़ी कैटेगरी हो जाएगी, लेकिन जीनस नहीं, जीनस में वो नहीं आएगा। एक लायन और एक कैट जो हमारे घर पे होती है उनमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आपको लायन से बहुत डर लगेगा, आपको घर की कैट से नहीं डर लगेगा इतना, है ना। तो फर्क है उनमें, उनकी पावर में भी फर्क है ना। तो कैट जो है उनका अलग जीनस है, लायन टाइगर और लेपर्ड का अलग जीनस है, ठीक है। आगे चलते हैं फैमिली। फैमिली जो है वो और बड़ा क्राइटेरिया होता है ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई या क्लासिफाई करने का, एनिमल्स को क्लासिफाई करने का। फैमिली में हम एक जैसे, अब मैं कह सकती हूँ कि मैं कैट और लायन और लेपर्ड और टाइगर इन सभी को एक एक फैमिली में रख सकती हूँ। ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली है फेलिडी, ठीक है। जीनस अलग अलग था इनका, लेकिन फैमिली सेम हो सकती है। फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विद लेस नंबर्स ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज होती है आपस में, जीनस में थोड़ी कम होती है और फैमिली में थोड़ी और कम सिमिलैरिटीज होती हैं सिमिलैरिटीज, लेकिन जीनस और स्पीशीज के कंपेरेटिवली कम सिमिलैरिटीज होती हैं। जैसे जीनस पेंथेरा में लायन टाइगर लेपर्ड आएगा और जीनस फैलिस में कैट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब कैट्स एंड डॉग्स हैव सिमिलैरिटीज बट दे आर डिफरेंट फैमिलीज, इनकी फैमिली अलग है। अब यहां पे देखो, लायन टाइगर लेपर्ड और कैट्स, इनके जीनस तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी फैमिली सेम हो गई, फैलिडी। जिस फैमिली में लायन आएगा उसी फैमिली में कैट भी आएगी, उसी फैमिली में टाइगर भी आएगा, लेकिन उसी फैमिली में डॉग नहीं आ सकता, उसी फैमिली में डॉग नहीं आएगा। डॉग डिफरेंट हो गया, कैट लायन टाइगर लेपर्ड वो बड़ी कैट्स हैं, घरेलू कैट छोटी कैट है,
है ना, लेकिन इनकी फैमिली सेम है, जीनस इनका भी अलग अलग था, फैमिली इनकी फैलेटी है, फाइन। लेकिन डॉग की फैमिली अलग है, कौन सी, कैनिडी। अगर कैट्स की फैमिली फैलेटी है तो डॉग्स उस फैमिली में नहीं आएगा, फैमिली बड़ी होती है, अलग होती है, ठीक है, उसमें इतनी भी सिमिलैरिटीज नहीं है, फाइन। तो फैमिली जो होती है उसमें थोड़ी कम सिमिलैरिटीज होती हैं जीनस और स्पीशीज से, लेकिन फिर भी सिमिलैरिटीज काफ़ी रहती हैं। आगे बात करेंगे ऑर्डर। ऑर्डर और बड़ी कैटेगरी हो गई, जैसे हम होते ना ऊपर से लेके थोड़ा छांट दिया, थोड़े से कैरेक्टर्स मिले चलो ऑर्डर में डाल दिया, तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जैसे कि फैमिली हैव शेयरिंग सेट ऑफ सिमिलर नेचर बट लेस देन फैमिली, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है ऑर्डर में, फैमिली के अंदर जो थे जैसे मान लो कैट थी, लायन थे, टाइगर थे, वो आपस में बहुत मिलते जुलते थे काफ़ी चीज़ों में, उनके शरीर की बनावट, जिस तरह से वो छलांग लगाते हैं उनके, ये चीज़ें काफ़ी कॉमन थी, है ना। लेकिन डॉग उनसे बिल्कुल डिफरेंट था, इसलिए उनकी सेम फैमिली नहीं थी, लेकिन ऑर्डर में कैट और डॉग दोनों एक ही ऑर्डर में आएंगे, क्यों, क्योंकि वो कार्निवोरस हैं, ठीक है। तो कार्निवोरा जो है वो एक ऑर्डर है, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा जो है उसमें क्या क्या जाता है, उसमें फैलिडी यानी कैट्स भी आ गए और उसमें कैनिडी यानी उसमें डॉग्स भी आ गए, समझ रहे हो, ठीक है, ऑलराइट। अब आगे बात करते हैं क्लास की, रिलेटेड ऑर्डर्स, जो रिलेटेड ऑर्डर्स होते हैं उनकी कॉमन क्लास हो जाती है, जैसे कि मैमेलिया, मैमेलिया एक क्लास है और उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कि एक हो गया कौन सा ऑर्डर, प्राइमेट, और एक हो गया कार्निवोर। कार्निवोर एक ऑर्डर था जिसमें कौन कौन आ रहे थे, कैट डॉग्स आ रहे थे, टाइगर भी आ रहा था, लेकिन प्राइमेट भी एक ऑर्डर है, इसी तरह का ऑर्डर है प्राइमेट जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबन ये सब आते हैं, लेकिन क्लास जो है वो उससे भी बड़ी होती है, एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो एक क्लास में प्राइमेट भी आ रहे हैं, कार्निवोर भी आ रहे हैं, प्राइमेट जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, गिबन, और कार्निवोर जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग, ये सभी जो हैं वो मैमेलिया में आ रहे हैं, क्योंकि दे ऑल आर मैमल्स, दे कैन प्रोड्यूस यंग वंस, जो यंग वन जो बच्चों को पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चों को पैदा करते हैं, वो सब मैमल्स हैं और वो मैमेलिया क्लास में आएंगे। तो क्लास को हमने देखो रिप्रोडक्शन के बेसिस पे देख लिया कि मंकी भी बच्चे पैदा करता है, गोरिल्ला भी, गिबन भी, टाइगर भी, कैट भी और डॉग भी, ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे पैदा करते हैं, तो ये मैमल्स हैं, चलो इनको एक क्लास में रख दिया, लेकिन ऑर्डर इनका अलग अलग था सबका, ठीक है। अब आती है बात फाइलम और डिविजन की। फाइलम और डिविजन, द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेम बॉडी प्लान, जिनका बॉडी प्लान स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर हो, उनको हम एक ही फाइलम में डाल देते हैं। फाइलम बोलो या डिवीजन बोलो, एक ही बात है। जैसे कॉर्डेटा फाइलम, कॉर्डेटा डिवीजन है या फाइलम है, जिसमें जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसी रीढ़ की हड्डी जब बनावट में आती है ना, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। ऐसे जितने भी एनिमल्स में, जितने भी ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड है ना, वो कॉर्डेटा फाइलम में आ जाएगा। बाकी फिर वो कुछ भी करता हो, वो मैमल हो, वो मैमल ना हो, वो कार्निवोर हो, वो वेजिटेरियन हो, वो कुछ भी हो, लेकिन उसके पास रीढ़ की हड्डी है, इसलिए वो कॉर्डेटा फाइलम में है, समझ रहे हो। हमने कौन सा कैरेक्टर सिमिलर उठाया है फाइलम में, इस तरह से फाइलम होता है। और लास्ट आता है इसमें किंगडम। क्या आता है इसमें, किंगडम। किंगडम जैसे कि मेरे सामने प्लांट है, एक तरफ एनिमल है, तो अब मैं बोलूंगी ये प्लांट का किंगडम है और ये एनिमल का किंगडम है। हमने मोटा मोटा उनके बिल्कुल ही डिफरेंशिएट है उनकी बॉडी, तो हमने इस तरह से उनको अलग अलग किंगडम में डाल दिया। सो ऑल एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला असाइंड द हाइएस्ट कैटेगरी किंगडम। सारे एनिमल जो है वो एनिमल किंगडम में आते हैं, सारे प्लांट्स जो है वो प्लांट किंगडम में आते हैं। सो किंगडम एनिमेलिया में एनिमल्स आएंगे और किंगडम प्लांटे में बहुत सारे डिविजन ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे। तो इसीलिए किंगडम एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। फिर किंगडम के बाद हमारे पास फाइलम आ गया, उसके बाद हमारे पास क्लास आ गई, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर आ गया, उसके बाद हमारे पास फैमिली आ गया, उसके बाद हमारे पास जीनस आ गया, उसके बाद हमारे पास स्पीशीज आ गया। तो ये 7 कैटेगरीज थी हमारे पास, 7 कॉमन कैटेगरीज, जिनके बेसिस पे हमने ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है, क्लासिफाई किया है हमने उनको उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे। कैसे हमने डाला किसी को किंगडम में, किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल में, उनके कैरेक्टर्स को देख के, ठीक है। ऑलराइट,
चलिए आई होप आपको अभी तक समझ आ चुका होगा। आगे देखते हैं कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे मैन, ह्यूमन एक कॉमन नेम है, मैन एक कॉमन नेम है। बायोलॉजिकल नेम जो है होमो सेपियंस है। जीनस होमो है। फैमिली होमोनिडी है। ऑर्डर प्राइमेटा है। क्लास मेमेलिया है। और फाइलम कॉर्डेटा है। ऐसे ही हाउस फ्लाई जो होती है, जो मक्खी है घर में, उसको मस्का डोमेस्टिका डोमेस्टिका बोलते हैं। मस्का जो है वो जीनस है। मसीडी जो है वो फैमिली है। डिप्टेरा जो है वो ऑर्डर है। इंसेक्ट क्लास है। और आर्थ्रोपोडा फाइलम है। मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, जिसमें मैंगीफेरा जीनस है, ठीक है। एनाकार्डिसी जो है वो फैमिली है। एंड सेपिनडेल जो है वो ऑर्डर है। डायोकोटिलेडन क्लास है। और एंजियोस्पर्म फाइलम है। ऐसे ही वीट में ट्रिटिकम एस्टाइवम बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम है, जिसमें ट्रिटिकम जीनस है। पोसिस जो है वो फैमिली है, पोएसी, ओके। एंड ऑर्डर जो है वो पोल्स है। क्लास जो है वो मोनोकोटिलेडन है। और फाइलम जो है वो एंजियोस्पर्म है। तो इस तरह से साइंटिफिक नेम जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं आगे, इसके आंसर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बट दैट्स ओके, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं, देखिए, साइंटिफिक नेम्स आर ड्रॉन फ्रॉम। साइंटिफिक नेम कौन सी भाषा से लिए जाते हैं? लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। ऑलराइट, देन बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, हमने देखा था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें एक नाम के ईच साइंटिफिक नेम हैज टू कॉम्पोनेंट्स, और ये कॉम्पोनेंट्स थे एक जेनरिक नेम जिसमें जीनस आता है, और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट जिसमें स्पीशीज आती है। दो ही कॉम्पोनेंट होते हैं, तो ये लेनियस ने दिया था। सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ, सिस्टमैटिक्स किसकी स्टडी होती है? डाइवर्सिटी अमंगस्ट ग्रुप। सिस्टमैटिक तरीके से उनकी डाइवर्सिटी को, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप की डाइवर्सिटी को सिस्टमैटिक तरीके से क्लासिफाई करना, इसको सिस्टमैटिक्स। टैक्सोनोमी रेफर्स टू, टैक्सोनोमी रेफर्स टू क्लासिफिकेशन, यस, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ऑल ऑफ दीज, दिस इज द आंसर, ऑल ऑफ दीज। टैक्सोनोमी में सब कुछ आ रहा है। टैक्सोनोमी इज द प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनोमी। तो प्रोसेस में तो सभी कुछ आएगा, क्लासिफिकेशन भी आएगी, नाम देना भी होगा, आइडेंटिफाई करना भी होएगा, सब कुछ आएगा टैक्सोनोमी में, ओके। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, ठीक है, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, स्पीशीज में, जीनस में, क्लास में, डिविजन में। अरे स्पीशीज होती है जो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है, दे कैन इंटरब्रीड, तो सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स किस में होंगे? स्पीशीज में। उससे कम जीनस में, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर, इनमें से करेक्ट हायरार्किकल ऑर्डर कौन सा है? तो मैंने आपको बोला था, किंग फिलिप कॉल्स आउट फॉर अ गुड सूप, किंगडम, है ना, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। तो यहां देखिए, फाइलम ऑर्डर फैमिली, फाइलम ऑर्डर फैमिली करेक्ट ऑर्डर है। क्लास फैमिली जीनस, क्लास फैमिली जीनस करेक्ट ऑर्डर है। क्लास ऑर्डर फैमिली, क्लास ऑर्डर फैमिली करेक्ट ऑर्डर है। तो डी देखिए, फैमिली क्लास ऑर्डर, फैमिली क्लास ऑर्डर आगे पीछे हो गया, होना क्या चाहिए था? क्लास ऑर्डर फैमिली, तो ये गलत हो गया, ये आपका आंसर निकल गया, नॉट करेक्ट पूछा था, तो दिस इज द आंसर। चलिए, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन थे? लीनियस। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज लीनियस, ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, सिस्टेमा नेचर इज अ बुक रिटन बाय, सिस्टेमा नेचर इज अ बुक विच इज ऑल्सो रिटन बाय लीनियस, इज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। याद रखना है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया है, सिस्टेमा नेचर किताब इन्होंने लिखी है, दैट इज इट। सो आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से पता चली होंगी क्लासिफिकेशन की। तो हमारे आसपास जो लिविंग वर्ल्ड है उसको हम इस तरह से उसमें नाम डालते हैं, नोमेनक्लेचर क्या होता है, टैक्सोनॉमी क्या होती है, और जो कैटेगरीज हैं टैक्सोनॉमी में वो कौन कौन सी हैं, कॉमन कैटेगरीज, वो भी हमने देखा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, टाइम टू टाइम हम ऐसी बहुत सारी वीडियोज जो है वो साइंस
मास्टर के से रिलेटेड यहाँ पे अपलोड करते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर आप वीडियो चाहते हो, वैसे हम क्योंकि जूलॉजी स्टार्ट की है तो हम जूलॉजी के सभी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।